Now next exercise start karenge 12.2 question number 1. Simplify combining the like terms. सबसे पहले जो भी like terms हैं उन्हें हम एक साथ लिखेंगे and then simplify करेंगे. Start करते हैं. First is 21b minus 32 plus 7b minus 20b. Like terms. अगर हम first term देखें हमारे पास क्या है? 21b. हम देखेंगे क्या इसमें b वाली कोई और टर्म है. 21b, 7b, 20b. 7b प्लस है, 20 के आगे नेगेटिव. और फिर एक कांस्टेंट टर्म बची हमारे पास, इसके आगे कौन सा साइन है? नेगेटिव. सो माइनस 32. कर दिया कंबाइन हमने. अब हम सॉल्व करेंगे. 21 ये तीनों टर्म्स b की हैं, दो टर्म्स पॉजिटिव है, इन्हें प्लस करेंगे. 21 प्लस 7 28b माइनस 20b माइनस 32. अब ये दोनों टर्म भी b की हैं, लेकिन एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन आएगा बड़ी टर्म का. 28 माइनस 28 दोनों में b है, 32 एज इट इज. तो ये हमने सिंपलीफाई किया, 8b माइनस 32. आप चाहो तो इसमें से 8 कॉमन आ सकता है, 8 4s आर 32, सो b माइनस 4. क्लियर है ये? दोबारा से डिस्कस करें एक बार क्या किया हमने. सबसे पहले जो लाइक टर्म्स थी उन्हें हमने एक साथ लिख लिया. b वाली टर्म 21b प्लस के 7b माइनस के 20b. तीनों टर्म्स b की हैं, दो टर्म पॉजिटिव है, हमने उन्हें प्लस किया. 21 प्लस 7 दोनों के कॉफिशियंट सेम है, तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड होंगी. 21 प्लस 7 28. b दोनों में है, एक बार लिखा जाएगा. ये नहीं आप b प्लस b कर दो 2b, नो. 21b अगर हम देखो ऐसे ऐड कर रहे हैं, 21b 7b, b तो दोनों में कॉमन है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड होंगी. 21 प्लस 7 28b माइनस 20b. अब भी दोनों b की टर्म है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट होंगी न्यूमेरिकल वैल्यूज. 28 माइनस 28 दोनों में b है, एक बार लिखा जाएगा, माइनस 32. अगर आप चाहो इसमें से 8 कॉमन आ सकता है, 8 इंटू बी 8b 8 4s आर 32. क्लियर? नेक्स्ट पे चलें. सेकंड पार्ट, माइनस z स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z. सारी टर्म z की हैं, जो हाईएस्ट पावर वाली है पहले हम वो लिख लेते हैं, 7z क्यूब. नाउ z स्क्वायर की टर्म देखेंगे, माइनस के z स्क्वायर प्लस के 13z स्क्वायर, ये दोनों टर्म सेम है z स्क्वायर वाली. नाउ माइनस के 5z माइनस के 15z, माइनस 5z माइनस 15z, ये दोनों टर्म z वाली है. यहां तक क्लियर? ये टर्म एक ही है, कुछ भी कॉमन इसके साथ की कोई भी टर्म नहीं है, इसे एज इट इज लिख दिया. नाउ z स्क्वायर की टर्म आएगी और एक टर्म आएगी z प्लस के 13 माइनस z स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या कॉफिशियंट होता है? 1. प्लस के 13 माइनस के 1, एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, सब्ट्रैक्ट. 13 माइनस 1 12, साइन आएगा बड़ी टर्म का, 13 पॉजिटिव. ये दोनों क्या है? नेगेटिव. नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस. माइनस 15 माइनस 5 दोनों को ऐड किया, माइनस 20. ये हमारे पास आंसर आ गया, 7z क्यूब प्लस 12z स्क्वायर माइनस 20z. क्लियर? z क्यूब हाईएस्ट पावर वाली टर्म लिखी हमने, वो एक ही थी एज इट इज. उसके बाद z स्क्वायर वाली दो टर्म है, z वाली दो टर्म हमने एक साथ लिख दिया. z स्क्वायर में न्यूमेरिकल डिजिट्स है, प्लस 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 12, साइन आएगा बड़ी टर्म का प्लस. माइनस 5 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा नेगेटिव. माइनस 15 और माइनस 5 माइनस 20 z. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, 13
थर्ड पार्ट, अगर कोई भी हमारे पास ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, p माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ मैं यहीं पे, माइनस p। अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है उनके साइन चेंज होंगे, जैसे p प्लस का था माइनस का हो गया, q माइनस का था प्लस का हो गया, देन माइनस q माइनस, q पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, p नेगेटिव था माइनस माइनस प्लस p, यही आया ब्रैकेट ओपन की। अब अगर हम देखें प्लस के p और माइनस के p, सेम टर्म, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगी, प्लस के q माइनस के q, सेम टर्म, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा हमारे पास, p माइनस q। पहले जो टर्म है पॉजिटिव वाली लिखी जाती है इसलिए हमने पहले p लिख दिया, बाद में माइनस q, आप इसको माइनस q प्लस p भी लिखते तब भी ठीक है। क्लियर है कैसे आया, सबसे पहले जो लाइक टर्म्स है उन्हें एक साथ कीजिए, उसके बाद एड या सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमेरिकल कॉफिशियंट्स को लाइक टर्म्स की, जो भी साइन होगा अकॉर्डिंगली। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट पे चलें। फोर्थ पार्ट, थ्री ए माइनस टू बी माइनस ए बी, अब ब्रैकेट ओपन कर रही हूं मैं, ये ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, नेगेटिव, सभी के साइन चेंज हो गए, ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, ए बी नेगेटिव हो गया, प्लस थ्री ए बी प्लस बी माइनस ए। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, ए वाली टर्म थ्री ए माइनस ए एंड दिस माइनस ए, तीन टर्म्स ए वाली हो गई, नाउ बी वाली टर्म माइनस टू बी प्लस बी प्लस बी, नाउ ए बी वाली टर्म प्लस लिखा, माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस के थ्री ए बी। अगर हमने ब्रैकेट के बाहर प्लस लगाया है तो जो भी इन टर्म्स का साइन है ब्रैकेट में वही साइन आएगा, जैसे 2b के आगे नेगेटिव था, b के आगे पॉजिटिव था। क्लियर, नाउ देखते हैं क्या आया हमारे पास। अब दो टर्म्स माइनस ए माइनस ए, थ्री माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, कॉफिशियंट क्या है वन, ए तो एक ही बार लिखा जाएगा, दोनों टर्म नेगेटिव है, होंगी प्लस साइन नेगेटिव, वन प्लस वन टू, थ्री ए माइनस टू ए प्लस माइनस टू बी, बी का कॉफिशियंट वन, बी का कॉफिशियंट वन, वन प्लस वन टू, सो टू बी माइनस ए बी माइनस ए बी, दोनों नेगेटिव होंगी प्लस माइनस टू ए बी, और प्लस का हमारे पास है थ्री ए, यही आया हमारे पास। फर्दर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नाउ थ्री पॉजिटिव टू नेगेटिव, दोनों टर्म्स ए की, थ्री माइनस टू वन ए, मान आगे लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस प्लस के टू बी माइनस के टू बी, एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम टर्म्स है कैंसिल हो गई, प्लस के थ्री माइनस के टू, तो प्लस का वन ए बी, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बी, दोनों में ए कॉमन आ रहा है, यहां से ए ले लिया यहां बच गया वन, यहां से भी ए लिया यहां क्या बचा बी, तो ए वन प्लस बी। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वन फिफ्थ, फाइव एक्स स्क्वायर वाई माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, पहली है एक्स स्क्वायर वाई, फाइव एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई की टर्म
ये x स्क्वायर है, ये y, आगे पीछे टर्म्स लिखी हैं, आप चाहो तो इसे x स्क्वायर y भी लिख सकते हो। x स्क्वायर y की टर्म्स आ गई। नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर। नेक्स्ट ये टर्म पे पहुंचे, प्लस बाहर लेंगे तो ओरिजिनल साइन आएगा जो इसके साथ है, माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब एक ही टर्म बची है, प्लस 8x y स्क्वायर। ये ध्यान रखना है x y स्क्वायर है, ये x स्क्वायर y है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, इसे आपने एक साथ नहीं लिखना है। सो 5 प्लस 3 8 x स्क्वायर y माइनस 5, इसका कॉफिशियंट 1, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, माइनस किए तीनों टर्म, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3, 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7, तीनों नेगेटिव है, सो माइनस 7 y स्क्वायर प्लस 8 x y स्क्वायर। तो ये हमने सॉल्व करके हमारे पास सी एस क्लियर, नोट कीजिए इसे। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट, थ्री वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के सारी टर्म्स के साइन चेंज होंगे, 8y पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 3y स्क्वायर और ये एक y स्क्वायर की है। नाउ y वाली टर्म 5y माइनस 8y, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 4 प्लस 4, एक प्लस की एक माइनस की, सेम टर्म कैंसिल हो गया, 3 इसका कॉफिशियंट 1, 3 प्लस 1 4 वाई स्क्वायर, 5 प्लस के 8 माइनस के, 5 माइनस 8 प्लस और माइनस होगा माइनस, साइन बड़ी टर्म का, 8 माइनस 5 3 वाई, सो 4 वाई स्क्वायर माइनस 3 क्लियर। कैसे सिंप्लीफाई करना है, जो भी लाइक टर्म्स है उन्हें एक साथ लिखिए, सब्ट्रैक्ट एडिशन जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई।